फाइनली सिल रही हूँ। गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया व्लॉग में। सो दोस्तों, अभी मैं फिलहाल आ गया हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, तो वीडियो अपलोड करके उसके बाद यहाँ से निकलूँगी। और दोस्तों, आज हम लोग खाने में बनाएंगे लंच में कटहल जटफ्रूट बनाएंगे आज खाने में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग को यहाँ से शुरुआत करते हैं पतापत। अच्छा लगे तो ब्लॉग पर बनी रहिए इस वीडियो में दोस्तों। और गाइस देखो, मेरा हेयर स्टाइल न्यू डिज़ाइन बनाया हूँ हेयर स्टाइल। तो अभी बस रही है, सुबह का टाइम 8 बज गया है। ये देखो मेरा पीछे में है चाय पत्ता का बागान है, हमारा गांव का है ये चाय पत्ता का बागान। तो मैं घर से थोड़ी दूर आई हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेट मिलता है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आती हूँ। जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आती हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से निकलूँगी गैस पतापत, घर में जा चले चलते हैं। सो दोस्तों, फाइनली घर में पहुँच चुके हूँ अभी। तो अभी हम लोग फिलहाल लंच तैयारी कर रहे हैं, मैं और मेरा देवरानी। सो अभी मैं खत्ता लेने जाऊँगी अपना बागान से। तो चलिए ब्लॉग पर बन रही है कंटिन्यू इस वीडियो में। ये देखो, आज को पूरा घर फूसा लगाया है मेरा देवरानी। ये देखो फाइनली खाना पक रहा है गैस। देखो हमारे बर्तन ऐसे ही खाला है, इसका कलर ऐसे है। चूल्हा भी रिपेयरिंग किया है मेरा देवरानी। चलिए गैस, ये देखिए, ये बेम्बू का मदद से कट्टल गिरा दूंगी। ये देखो, तो इसी मदद से ना सुपारी गिरा दिया था, सुपारी का फिर से। ये देखो, इसको बोलता है हम लोग सारी बोलता है, पता नहीं हिंदी से क्या बोलता है गैस, असमी से बोलता है खासी। चलिए लेने जाएगा ना अभी कट्टल, आप लोग देखते रहिए। ना लंबा है बस सुपारी का। फिर देखो गाइस, पूरा खाली खाली हो गया है, सुपारी सब सेलिंग हो गया है। सो दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुके हूँ खतल का पेड़ में। तो कैमरामैन नहीं है, देवरानी भी नहीं है, खाना बना रही है घर में लंच की खाना। तो चले अभी खतल गिरा लेती हूँ ये बिम्बू का मदद से। ऊपर देखो ना लंबा है। तो मिलते हैं खत्तल गिरा देने का बाद। गैस बोलने के लिए भी नहीं आती है हिंदी इतना ज़्यादा, हम लोग का गांव में हिंदी बोलने वाला भी नहीं है। और बचपन से ना मैं हिंदी बात नहीं किया हूँ, इसलिए मुझे हिंदी नहीं आती है इतना ज़्यादा। तो अभी से कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने के लिए, मेरा देवरानी भी कोशिश कर रही है हिंदी बोलने के लिए। और दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा हिंदी जो गलत होता है आप लोग सही कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। थैंक यू आप सभी लोगों को दिल से मुझे सपोर्ट करने के लिए। और फाइनली मेरा 9K हो चुका है कंप्लीट, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मेरा जल्दी 10K होने वाला है, 10K होने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, इतना खुश हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। 10K मुझे बहुत पसंद है, 10K मैं बहुत चाहती हूँ 10K सब्सक्राइब होने के लिए। गाइस सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज़, चैनल पर नया हो तो वीडियो को अच्छी लहसन आए तो। गिर गया कत्तल, गिर गया है कत्तल। बच्चे लोग आया है ना अभी कैमरा मैन गाइस। ये देखो पूरा गंदा गंदा है आया है। और देखो दोस्तों, कत्तल का बच्चा, हम लोग ना इसको चटनी बना के खाते हैं, बहुत ही टेस्टी है। देखो ये कत्तल का बच्चा। सो टेस्टी। देखो दोस्तों, हमारा बागान बगीचा है, तुकोपत का बागान है। और दोस्तों, आज मैं ना खत्तल का रेसिपी आप लोग का साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों।
हम लोग कैसे खाते हैं, किस तरह से खाते हैं आपको दिखाऊंगी ना दोस्तों। ड्राई फिश खाएंगे, इसका साथ ऐड करके खाएंगे। टेस्टी टेस्टी मज़ा से गाइस, देखने के लिए बनी रहिए इस वीडियो में। हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं आपको दिखाने वाली हूँ दोस्तों। सो अभी मेरा दावरा नहीं क्या कर रही है, चले चलते हैं घर का ऊपर में। और हमारा आंगन में देखिए दोस्तों, सुंदर वाला फ्लावर देखो ना, बहुत सुंदर है, बहुत पसंद है हमको ऐसा वाला फूल। और इस तरह देखो सब सासुमाने लग गया है ये वाला फ्लावर का गार्डन। उधर में देखो व्हाइट वाला, यहाँ पे रख लिया हूँ कटल। आज का मौसम बहुत ज़्यादा धूप दे रहा है गाइस। और यहाँ पे देखो गाइस, सारों बच्चों को यहाँ पे बैठ के आलू का साथ खेल रहा है ना। हेलो 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 गुड मॉर्निंग, वाह सब लोग गुड मॉर्निंग दिया है। इधर देखो बच्चे लोग, सब लोग आलू खा रहे हो आयन। और ये देखो मेरा देवरानी को क्या बना रही है खाने में। देवरानी टमाटर बना रही हूँ, आरो बैगन और बैगन टमाटर और बैगन बो रही है मेरा देवरानी। और आलू लुकल आलू फ्राई करूंगी। वाह वाह मेरा देवरानी, बहुत लोगों ने मेरा देवरानी को कमेंट करता है तो मेरा देवरानी बहुत ही खुश हो जाती है ना देवरानी। हाँ देवरानी बहुत ही अच्छा है बोल के सब लोग कमेंट देता है मेरा देवरानी, इसलिए बहुत ही खुश है। इसलिए हिंदी बात बोलने के लिए बहुत कोशिश करती है मेरा देवरानी सीखने के लिए है ना। हाँ टमाटर सब्जी बॉयल बना रही है गाइस देखो। आज सासू माँ सासू जी देवर जी कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं, मैं और मेरा देवरानी है ना। हाँ दोस्तों, ऐसा वाला बेम्बो का बास्केट ना डिब्रूगढ़ से कमेंट किया था, ऐसा वाला बास्केट सरसों है ये बोल के, लेकिन नहीं है, सब सेलिंग हो गया है। देवरानी का मम्मी जी ने बनाया है, सब सेलिंग हो गया है। अगर होता तो मैं उसको डिलीवरी कर देती हूँ, डिब्रूगढ़ से कमेंट किया है। अभी देवरानी का मम्मी भी घर में चला गया है, अपना घर में दो दिन तीन दिन हो गया है ना, चला गया है घर में। हाँ देखो उबल रहा है गैस टमाटर सब्जी, फाइनली छिल रही हूँ। इसका रेसिपी बनाऊंगी, टेस्टी टेस्टी मजा से खाऊंगी। आयन तुम भी खाओगे ना थप्पल सब्जी का आगे। ये वाला नहीं खाते हैं, इसको हटाया जाता है, हम लोग नहीं खाते हैं। तो अभी खत के रेडी हो गया है खट्टल, तेल गरम हो चुका है। ड्राई फिश और मिर्ची, लहसुन भी ऐड करेंगे, लहसुन। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है नमक और हल्दी। और ये है चावल का आटा, लहसुन है ये ऐड करेंगे लहसुन। देखो
पत्तल सब्जी पत्तल सब्जी खाने लिए रेडी हो गया है पत्तल सब्जी। सब लोग नाचो देखो ना इतना हल्ला करता है गाइस बच्चे लोग इसलिए मैं डेली ब्लॉग बना नहीं पाते हूँ इतना हल्ला। आलू फ्राई होगा अभी जल गया है कराई पूरा काला काला हो गया है सब बना रही है बनाने आलू फ्राई वाओ क्या गाना गया है देखो गाइस हम लोग का नया वाला लकड़ी रखने वाला घर ये नया नया बनाया है सासू माँ ने देख सकते हो गाइस। और ऊपर में देखो बेम्बू का रूसी ट्रिपल बनाने के लिए लोकल ट्रिपल। और दोस्तों ये है बेम्बू वाला बास्केट देवरानी का मम्मी जी बनाया है ना हाँ हम लोगों के लिए सार तो दे दिया है ना इसे फेरी में हाँ। छोटा है देखो और यहाँ में छोटा एक तो है बड़ा है और यहाँ में है गैस सार तो बोला हूँ बास्केट बेम्बू वाला लेकिन सार तो नहीं है तीन है लगभग तीन हे बदमाश क्या कर रहे हो ये तो टमाटर है रखो उधर में मेहमान आया है मोनिक को भूख लग रहा है मेरा बांजा है। सो गाइस फाइनली लंच रेडी हो गया है देखो अभी लंच खाएंगे देवरानी खाना निकला है अभी अभी मोनिक ने स्टार्ट कर दिया है लंच खा रहा है बहुत टेस्टी पत्तल सब्जी टेस्टी हुआ है ना हाँ यह है टमाटर ये है आलू फ्राई और ये है बैंगन और ये है कत्तल आज सब्जी बहुत टेस्टी हुआ है सच में गाइस। सो आज मैं ना सिर्फ कत्तल का सब्जी बनाया हूँ टमाटर और आलू और बैंगन देवरानी ने बनाया है बहुत टेस्टी हुआ है सब्जी मेरा देवरानी को सब्जी टेस्टी से बनाना आती है तो मेरा सब्जी कैसा लगा कतल सब्जी टेस्टी है